आपने अरदास मांगी, बाकी बाबा पे छोड़ दो। अब एक बात आज राजपारी कहकर जा रहा है आपको, जीवन में गांठ बांध लेना इस बात की, सुनना मेरी बात। जब जब बाबा के श्रृंगार का भजन हो, जब जब कीर्तन में आपका मकसद होना चाहिए कि श्रृंगार के भजन में आप झूम झूम के तालियां बजाकर गाओ, क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है श्रृंगार के भजन में जो जितना अच्छे से बाबा का श्रृंगार का भजन गाता है, बाबा भी उतने अच्छे से उसकी जिंदगी सजाता है, उतने अच्छे से। अगर आपने श्रृंगार का भजन जम के गाया तो वो भी आपके जीवन का श्रृंगार करेगा। कौन कौन तैयार है श्रृंगार का भजन गाने के लिए? और एक बार झूम के गाना, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है पग पग सबके आज लगते हो, मगर क्या बात है बाबा गजब के आज लगते हो। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अच्छा, करनाल में इसके बाद भी कीर्तन होगा? होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा वैसे कैथल कितनी दूर है यहाँ से? 60 ही है क्या? कल कैथल में कीर्तन है, अगर आज कोई कमी रह गई हो, कोई भजन मिस हो गया हो, तो कल आप सभी भक्त कैथल में आमंत्रित हैं, जरूर से जरूर पधारे। बोल खाटू नरेश की जय। हाँ जी, हाँ हाँ, मेरा बबेदा लगता है हर साल किलो की नचड़े दे। अच्छा, पापा ने दरबार लगाया, पापा ने दरबार लगाया। अरे अच्छा अच्छा, कल का भरोसा नहीं, आप तो 23 कल कैथल के बाद ही कोई कमी रहे तो 16 दिसंबर को राज भैया यहीं मिलेंगे हमारे। 16 दिसंबर कौन सी? हाँ ठीक है ठीक है, आज अब मेरे को लगा पीछे जाना पड़ेगा। बाबा ने दरबार लगाया, बाबा ने दरबार लगाया, बाबा ने दरबार लगाया, बाबा ने दरबार लगाया, दर्शन तो कर लैण दे और मैनू नच लैण दे। अरे मैनू नच लैण दे। अब देखो, ना मैं हाँ में हूं, ना मैं हूं, आपकी मर्जी, जिसको झूमना हो वो मिलकर खड़ा होकर झूमे एक बार मेरे साथ। पापा ने शीश के दानी का सारे